हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक आर्टिस्ट को कौन से टाइप के इरेजर यूज़ करने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक फाइबर कास्टल का नेडेड इरेजर है और मेरे पास STL ब्रांड का पेन पेंसिल इरेजर है। तो अभी मैं इन दोनों इरेजर्स का रिव्यू दूंगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम STL के पेन पेंसिल इरेजर की बात करते हैं। ये इरेजर 3.8 mm का है। ये इरेजर की प्राइस 160 rupees है। अगर आप इस इरेजर को बाय करना चाहते हो तो मैं इस इरेजर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम बात करते हैं फाइबर कास्टल का क्नेडेबल इरेजर की। ये इरेजर एक क्लेज टाइप इरेजर है। ये इरेजर एक प्लास्टिक के शीट में लिपटा हुआ मिलता है और इस इरेजर की प्राइस सिर्फ 50 rupees है। ये एक क्ले टाइप इरेजर है, इसलिए इसको आप जैसे चाहे वैसे फोल्ड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आर्टलाइन की ADV की पेंसिल ली है। तो पहले हम पेन पेंसिल इरेजर को यूज़ करेंगे। इसको मैंने कटर से आगे से कट कर लिया है जिससे शार्प होगा। इसे हम हेयर के हाइलाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं ये क्ले इरेजर। इस इरेजर को यूज़ करने से पहले ठीक तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कि ये इरेजर अपने अंदर ग्रेफाइट को खींच लेता है, तो इससे कोई डस्ट प्रोड्यूस नहीं होता। अब मैं आपको एक नॉर्मल इरेजर और इस इरेजर में फ़र्क बताता हूँ। नॉर्मल इरेजर को यूज़ करने से पेपर डैमेज होता है और डस्ट भी बहुत प्रोड्यूस होता है। क्ले इरेजर को सिर्फ आपको पेपर के ऊपर टच करना है जिससे डस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा और पेपर भी डैमेज नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।